नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आने वाला सीजन जो है वो धान का है, जिसमें धान की रोपाई होगी। तो किसान दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी मशीन लेकर आ चुका हूं जो अकेली मशीन और इससे अकेला आदमी कम से कम 60-70 मजदूर का काम जो है अकेली कर सकती है। तो किसान दोस्तों, उसी की कड़ी में आज हम आ चुके हैं भरतपुर नदवई तहसील में, जो कि यहाँ पर कंपनी है किसान पावर एग्रो इंडस्ट्रीज, और पुष्पेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी इस मशीन के बारे में जानकारी है वो हम इनसे लेते हैं। नमस्कार पुष्पेंद्र भाई जी। नमस्कार सौरभ धारीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में, और जो भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं सभी को नमस्कार, राम राम, और सभी का स्वागत है किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री में। अभी सौरभ धारीवाल जी ने कहा कि ऐसी एक मशीन लेके आए धान रोपाई की, जो कि अकेली मशीन 50 मजदूरों का काम करने वाली है मेरे किसान भाइयों, और वो भी एक दिन में। तो आपको भी मजाक लग रहा होगा शायद सौरभ जी। जी हम तो बिल्कुल लाइव डेमो लेंगे, पहले कैसा काम करेगी ये? बिल्कुल सर, देखिए आपको अभी मैं यहाँ पर, मेरे यहाँ धान की रुपाई तो नहीं होती, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में गए हुए हैं आपके वहाँ पे, धान की रुपाई हमने की हुई है, किसानों से करवाई हुई है। तो मैं आपको इसकी टेक्निकली जानकारी दूंगा और साथ के साथ आपको पूरा जो है इसके बारे में बताऊंगा कैसे काम करेगी, कितनी रुपाई हम कर सकते हैं, कितना काम जो कर सकते हैं। तो पुष्पेंद्र भाई, ये 60-70 मजदूर का काम वैसा कर तो लेगी ना? बिल्कुल करेगी सर। और दूसरी खास बात और बता देता हूँ, ये 60-70 मजदूरों का काम तो करेगी करेगी, साथ के साथ इससे आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हो मेरे किसान भाइयों। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कैसे करोगे अब आपको मैं बता देता हूँ, और मजदूर गुम के बारे में भी आपको बताऊंगा। सर देखिए, मेरे किसान भाई मुझे कॉल करते हैं तो मुझे पता है, मुझको वो बताते हैं कि सर हमारा एक बीघा में लगभग 8 से 10 मजदूर लग जाते हैं जी। ठीक है धारीवाल जी, जी अब हमारी मशीन है वो एक घंटे में जो धान की रोपाई करेगी वो एक बीघा धान की रोपाई कर देगी। एक घंटे में एक बीघा? एक बीघा लगा भी देगी? बिल्कुल सर लगाएगी। आपको वीडियो देख रहे हो आप, हमारे किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किस तरीके से जो ये काम कर रही है। ऐसा नहीं है हम हवा में तीर नहीं मारते, क्वालिटी है। आपको हो सकता है मेरे किसान भाई से चलाना नहीं आए जी, उसका तरीका वो मेरी वीडियो लास्ट तक देखे, सब कुछ इसमें मैं बताने वाला हूँ कैसे चलानी है, कैसे एक एक पेड़ को उठाएगी क्या है जी। तो अभी हमारा मुद्दा चल रहा था एक घंटे में एक बीघा धान की रोपाई कर देगी मेरे किसान भाइयों। यदि आप मेहनती हो, दो यदि मजदूर आप लगा लेते हो, तो आप यदि 6 से 7-8 घंटे इसको चला लेते हो तो कम से कम 7 बीघा धान की रोपाई, आप 7 से 8 बीघा धान की रोपाई कर दोगे। जब हमारे 7 से 8 बीघा में, हमारा एक बीघा में एक जो है, एक बीघा में एक मजदूर लग रहे हैं, 7-8-9 लग रहे हैं, तो हमारे 8-9 बीघा में कितने मजदूर लग गए कि 50 मजदूर लग गए। अब 50 मजदूरों का 200 रुपए से एवरेज भरा लीजिए मेरे किसान भाइयों, 10,000 रुपए हो गया बैठ रहे हैं। अब आपके इसको चलाने में मात्र और मात्र कितने रुपए का मजदूर लगा? 2 मजदूर लगे, मैं तो ये मानता हूँ 1,000 रुपए के मजदूर लगे, 2,000 का खर्चा हो गया, 3 का हो गया। लेकिन मेरा किसान भाई 1,500 रुपए बीघा भी ले तो 7 बीघा धान की रोपाई करेगा तो कितना हो गया आप बताइए? 10,500 हो गा? 10,500 हो गए जी। 10,500 में से 3,000 रुपए माइनस कर दो जी, तो 7,000 रुपए। और हमारी ये मशीन है मात्र और मात्र 28,000 की जी, जिसको आप मात्र और मात्र 4 दिन में मेरे किसान भाइयों फ्री कर सकते हो। अब आप बताइए कि हमने कितने मजदूरों की बचत की, तो है ये मशीन कुछ कामयाबी के लायक? जी बिल्कुल कामयाब है, लेकिन पुष्पेंद्र भाई जैसा कि भी आदमी सोचे चलेगी कहां से? बिल्कुल ये भी आपको बताऊंगा मेरे किसान भाइयों, ना तो इसमें डीजल का खर्चा है, ना ही इसमें पेट्रोल का खर्चा है, मात्र और मात्र इसको किसान भाई मैनुअल इसको चला सकता है, इसे मैनुअल पैडी प्लांटर भी बोला जाता है। कैसे ये काम करेगी वो भी जान लीजिए और आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कैसे आपको काम करना है। देखिए मेरे किसान भाइयों, ये इस तरीके से मशीन को पकड़ लेना है जी, मैंने जैसे पकड़ रखा है ये हैंडल है, इसको पकड़ लेना है। किसान दोस्तों देख सकते हैं आप, इधर ये हमारा दूसरा हैंडल है जिससे मशीन हमारी रुपाई करेगी, तो हमें इस तरीके से ये चलाना है। अभी उधर दिखाइए आप, देखिए किस तरीके से ये जो हमारी चलेगी, तो ये हमारी जो मशीन है 2 लाइन में धान की रुपाई करेगी। और हमारे किसान भाई कहते हैं सर इसका वेट कितना है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मेरे किसान भाइयों, इसका जो वेट रखा है वो मात्र और मात्र 17 से 18 kg है। और दूसरी बात आपको पता ही है, लकड़ी मिट्टी और पानी जब तीनों आपस में एक साथ संबंध में आते हैं तो वहां पर एक चिकनाहट पैदा होती है,
और चिकनाहट से वो क्या होती है, लकड़ी फिसलती है। तो हमने दूसरी बात यह कि ये लकड़ी फिसलेगी, साथ के साथ इसमें हमने इस लकड़ी को जो लगाया है इसके फ्रेम को, वो नाब के आकार का लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। दीपेंद्र भाई, ज्यादातर किसान भाई जो होते हैं उनके मन में एक सवाल आया होगा। बिल्कुल, बताइए क्या सवाल आया होगा सर। कि जैसे मशीन चलेगी तो ऐसा तो नहीं है कहीं किसान भाई के दो दो तीन तीन पौधे ले ले, एक ही पौधा लेगी है। सर देखिए, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ। और मेरी मशीन एक एक जो है पेड़ की रुपाई करेगी, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। देख लिए पुष्पेंद्र भाई। बिल्कुल सर, ये कैसे करेगी मेरे किसान भाइयों, यदि आप लोग हैंड टू हैंड खेत बनाओगे तो उसमें ये कार्य नहीं करोगी करेगी, कहीं हैंड टू हैंड कीचड़ बनाओ। मेरे किसान भाइयों, आपको यदि धान लगाना है तो आपको शाम को ही अपना जो खेत बना के कंप्लीट कर देना है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि आप यदि पौधे की साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो एक एक जो है पौधा ये लगाएगी, और यदि साइज आपकी छोटी रहेगी, आप 15 दिन और 10 दिन की यदि पौध को लगाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और तीसरा मुद्दा ये है कि आपको पानी जो रखना है वो खेत में 1 से 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच इससे ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए सर। और ऐसा भी नहीं हो कि कहीं आपके एक साथ दूसरी साइड से पानी आ रहा है और इधर साइड से आप धान रोपाई कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा सर जी। अब हमारे किसान भाई कहते हैं कि सर हमारी जो ये मशीन सक्सेस नहीं हुई, ये बात हुआ वो बात हुआ। मेरे किसान भाइयों, सक्सेस करने से होती है जी। यदि इसके तरीकों को हम सीखेंगे, चलाना सीखेंगे तो सक्सेस होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसमें कुछ सेटिंग दी हुई है, तो सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। जिस किसान भाई, मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है, कई प्रांतों में एक एक पौधे लगाने की आवश्यकता होती है, कई प्रांतों में दो दो तीन तीन पौधा लगाने की आवश्यकता होती है जी। तो उसके लिए भी हमने प्रावधान इसमें किया हुआ है, देखिए हमने इसमें सेटिंग दी हुई है, देखिए धारीवाल दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये दो नट दिए हैं जी। ये हमारी सेटिंग करने, ये जैसे ट्रे है, ट्रे को हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे जी। ठीक है, और दूसरा हम जो देखिए यहाँ पर जैसे मैं नट को टाइट करूंगा तो हमारे यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो कम होता चला जाएगा। तो हमें यदि दो पौधा ले रही है, तीन पौधा ले रही है, तो हमने ये दो नट से आपस में इनको देख लेना है और इन दोनों नट से जो है सेटिंग करनी है। तो आपकी मशीन, ये मेरी गारंटी है, एक एक पौधा लेगी। और दूसरी बात, किसान भाई कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कहीं आपकी ये गड़ाई नहीं करे और हमारे किसान भाई का जो पौधा है ऊपर ही रह जाए। धारीवाल जी, उसके लिए भी हमने एक प्रावधान इसमें दिया हुआ है, देखिए किसान दोस्तों, आप यदि इसको आप यहाँ पे हमने छिद्र दिए हुए हैं जी। तो यदि इसको आप यहाँ रखोगे तो ये जो गहराई में कम गाड़ेगी, और यदि हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये गहराई हमारी ज्यादा लेगी जी। और हमारा पेड़ है वो अंदर तक धस जाएगा, तो इसमें हम गहराई को भी पेड़ की को एडजस्ट कर सकते हैं, पौधे को भी हम एक एक लगाना है, दो लगाना है, तीन लगाना है, तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। किसान को एक पौधा लगाना, एक लगाए, दो लगाए, दो लगाए। तो पुष्पेंद्र भाई, अब बात आती है जो किसान भाई जैसे सादे धान बोता है आदमी जो लगाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी वही पौध काम करेगी, अलग से लगानी पड़ेगी सर? वही पौध, कोई एक्स्ट्रा पौध नहीं लगानी, ना ही कोई पन्नी पे आपको नर्सरी डालनी है, वही पौध काम करने वाली है। धारीवाल जी, ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कोई पौध लगानी है। यदि आपकी पौध बड़ी हो जाती है तो हमने इसमें भी एडजस्टमेंट का सिस्टम दिया हुआ है, जो ये हमने ट्री दी हुई है इसमें भी एडजस्टमेंट का सिस्टम दिया हुआ है। देखिए इन नटों को खोलोगे इधर ये सरक जाएगा, इधर से इसको खोलोगे ये देखिए गैप यहाँ पे देख सकते हो। तो धारीवाल जी, हमने सब कुछ ऐसा प्रावधान दिया है जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं जी। सुंदर भाई, ऐसा तो नहीं है जैसे किसान भाई अपनी नर्सरी तैयार करता है और फिर उसके पौधे इसमें वो लगाता है ट्रे में, पौधे को तो खराब नहीं करेगी? अरे भाई साहब, ऐसे कैसे कर देगी, यहाँ से पौधा लेगी हमारी मशीन, कृपया दिखाएं, तो यहाँ पे ये पौधा पकड़ के लाएगा। तो इसमें हमने गद्दी का प्रावधान दिया हुआ है, इस गद्दी से ये पौधा खराब नहीं होगा, मेरी गारंटी है, पौधे खराब नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं होगा, आपका कोई वेस्टेज नहीं जाएगा जी। और जैसा कि हम धान जो लगाते हैं वो लगाते हैं रो बाई रो जी, लाइन जो होती है, तो इसमें दूरी जो रहेगी लाइन से लाइन की वो कितनी रहेगी? वो सर देखिए 6 से लेके 8-9 इंच 7-8 इंच तक रहती है। आपको मैं एक बार फिर भी इंची टेप लगा के दिखा देता हूँ, साथ में लेके चले, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है जी। किसान भाइयों को जो नाप के दिखाएंगे पूरा, ये देखिए इसमें
8 इंच जो ये रो से रो की दूरी रहेगी इसकी जी, देख सकते हैं किसान दोस्तों आप। और पुष्पेंद्र भाई जी, जिसमें पौधे से ज्यादा पौधे की दूरी होती है तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सर पौधे से पौधे की दूरी आप यदि उसको 2.5 इंच पे लगाना चाहते हैं, 3 इंच पे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। उसमें एडजस्ट के लिए क्या करना होगा, आपको जो अपनी मशीन है थोड़ी यदि कम स्पीड में लगाना है, मतलब थोड़ी डिस्टेंस कम रखना है, तो आपको ये मशीन स्लो चलानी है और अपना ये जो यत्ता है इसको तेज जी, ठीक है जी। और यदि हमारे किसान भाई को मान के चलो दूरी पे लगाना है तो थोड़ा सा मशीन को तेज कर दो और हत्ते को हमारे को इसको धीरे घुमाओ तो हमारी पेड़ में दूरी भी बन जाएगी। और साथ के साथ यदि किसान भाई और भी यदि अपने जो है धान के पौध को और अंदर तक गाड़ना चाहता है तो हम थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से हम वजन बना के इसको हल्का सा सहारा दे के और अंदर तक हम जो है धान की रुपाई कर सकते हैं जी। तो किसान भाई जब कोई नया सामान लेकर जाता है तो वह सोचता है कि मैं उसे ज्यादा से ज्यादा समय तक चलाऊं जी, तो इसके बारे में कुछ सावधानियां बता दीजिए किसान भाई को कि इसे कैसा रखना चाहिए जिससे कि ज्यादा समय तक चलाए। मेरी बात सुनिएगा चौधरी साहब धारीवाल जी, कि पहली बात तो ये है कि यदि किसी चीज को लॉन्ग लाइफ तक चलाना है तो उसकी सेफ्टी रखनी होगी। यदि आज मुझे इस दुनिया में जीना है तो मुझे हर चीज देखनी पड़ेगी, मेरे खाने पीने का, रहन सहन का, हर चीज का तरीका देखना होगा। तो उसी तरीके से यदि मैं मेरे शरीर की केयर सही करूंगा तो लाइफ टाइम चलूंगा। और यदि इसी तरीके से आप मशीन की सेफ्टी कर लोगे तो 5 से 10 साल तक इस मशीन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ये मेरा वादा है। वन टाइम इन्वेस्ट रहे ना किसान, बस 1 साल पैसा लगाओ, 4 दिन में पैसा कमा के साइड में रख दो, फिर पैसा ही पैसा है। तो आपने अभी हिसाब ही बताया था, बिल्कुल एक बिल्कुल नी खर्चे बिल्कुल किसान बिल्कुल सर 7,000 रुपए बचाएगा। सर 1 से 1.5-2 महीने का सीजन होता है, यदि किसान भाई मेहनती है तो मैं ये कह रहा हूँ कम से कम नहीं एक सीजन में 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा इस मात्र 28,000 रुपए की मशीन से कमा सकता है जी। तो बात आती है इसकी गारंटी या वारंटी के बारे में। किसान भाइयों वैसे गारंटी वारंटी की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी हमने कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लगाया है जो खराब हो सके जी। आप देख सकते हो, फिर भी हमारे किसान भाइयों को हम 1 ईयर की इसकी गारंटी देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की या कोई पार्ट की, यदि आपके पास पार्ट नहीं है या हमारे जो है हमारे तरफ से भेजा नहीं गया है तो वो आपको मिलेगा। 1 साल तक हमारी गारंटी है, 1 साल की गारंटी है जी। जो पोस्ट दिया जाएगा किसान भाई को जी सर। तो पुष्पेंद्र भाई मैं आपके यहाँ आया हूँ यूपी से जी, काफी दूर से चल कर आया हूँ आपके यहाँ। तो जो किसान भाई हमारी वीडियो के माध्यम से इस मशीन को खरीदेगा तो आप हमारा मान सम्मान रखेंगे या नहीं? बिल्कुल धारीवाल जी, आपका मान सम्मान क्यों नहीं रखेंगे, जब आप इतनी दूर किसान भाइयों के लिए चल के आए तो इसकी जो कॉस्ट रखी है वो 28,000 रुपए। लेकिन धारीवाल जी का स्क्रीनशॉट मुझे कोई किसान भेजता है तो स्पेशल 1,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा मेरे किसान भाई को। 1,000 रुपए का डिस्काउंट? बिल्कुल सर 1,000 रुपए का डिस्काउंट रहेगा, ये मेरा वादा आपसे देना पड़ेगा पुष्पेंद्र भाई। बिल्कुल मेरे किसान भाई को यदि नहीं दूं, यदि आपसे बोलते हैं तो मुझे आप फोन कीजिए, मैं तुरंत दूंगा। तो अब इसे जैसा कोई किसान भाई दूर से वीडियो देख रहा होता है तो इसे लेने का प्रोसेस बताइए। सर हमारी कंपनी है नियर बाय कृषि उपज मंडी ऑन रोड डेरा रोड, देखिए आप रोड देख सकते हो, ये हमारा ऑन रोड कंपनी है। यदि आप लोग आना चाहो तो नियर बाय कृषि उपज मंडी नदबई भरतपुर राजस्थान के अंदर हमारी कंपनी है। आइए हमारी मशीन के बारे में जानिए, देखिए, सब कुछ जांचिए परखिए। आने जाने का खर्चा हमारे किसान भाइयों का लगेगा, रहने खाने का मेरी तरफ से उनका कोई खर्चा नहीं है। और यदि जो किसान भाई नहीं आ सकते उनके लिए भी हमने ऑनलाइन प्रावधान किया हुआ है, स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप बुकिंग करा सकते हो। बुकिंग के लिए हमारे किसान भाइयों पहले आपको 3,000 रुपए का जो अमाउंट है हमारी कंपनी के करंट अकाउंट में आपको पे करना होगा। ये मत सोचिएगा कि अमाउंट हम पे करा रहे हैं तो हमारे साथ कोई फर्जीवाड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं मेरे किसान भाइयों। मेरी जो दोनों सहायिका मैडम है वो मेरे साथ में ये आप लोगों से बात करती हैं, ये एडवांस पेमेंट की आपसे मांग करती हैं। तो आप यदि कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप बोलिए पुष्पेंद्र सर या राम अवतार सर से बात करा दीजिए वीडियो कॉल पे और हम पैसा डाल देंगे। आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है, आपका पैसा किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं जा रहा है, कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। और यदि आप किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसा डालते हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो मेरे किसान भाइयों ये था आपका बुकिंग का प्रोसेस, आधार कार्ड भी आपको भेजना है जिससे कि हम आपका बिल वगैरह
बना सकें। 6 से 7 दिन के बाद जब बुकिंग हो जाएगी, 6 से 7 दिन के बाद नियर बाय ट्रांसपोर्ट जो है हम भेज देंगे आपके, जो लास्ट जो डेजिनेशन होगी आपका एरिया होगा, क्षेत्र होगा, वहां पर भेज देंगे, वहां से आपको उठाना पड़ेगा। और जब आप अपना उठाओगे वहां से मशीन को, तो बाकी का पेमेंट आपको वहां पर मेरे किसान भाइयों करना होगा। तो किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको धान लगाने की मशीन दिखाई है जो कि बिना डीजल पेट्रोल के चलेगी, इसमें कोई वैसा खर्चा नहीं है किसान भाई का। तो सबसे पहले तो मैं पुष्पेंद्र भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये छोटे किसानों के लिए ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लाते हैं जिससे कि छोटा किसान भी अपने काम कर किराए पर इस मशीन से काम कर एक बढ़िया मुनाफा कमा सकता है। किसान दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।